रुक जा रागिनी, रुक जा, बोल रही हूँ रुक जा, वरना बहुत पीटेगी। क्यों मैडम, क्या हुआ? अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखा। कुछ ही देर के बाद कनिका ने रागिनी को पकड़ लिया और फिर दोनों सहेलियाँ खिलखिलाकर हंसने लगी। ये दोनों बड़ी पक्की सहेलियाँ थी और दोनों का कॉलेज और कोर्स भी सेम ही था। इसके अलावा स्वभाव से भी दोनों एक जैसी ही थी। हालांकि इन सब चीजों के बावजूद दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर था। कनिका बहुत पैसे वाले घर से थी, उसके पिता की शहर में कई फैक्ट्रियां थी, जबकि रागिनी के पिता एक मामूली किसान थे। पर पढ़ाई में बहुत अच्छी होने की वजह से रागिनी को स्कॉलरशिप मिल गई थी, जिसकी मदद से वो भी कनिका के साथ इतने बढ़िया कॉलेज में पढ़ रही थी। फिर एक दिन कॉलेज में, क्या हुआ मैडम, किस सोच में डूबी है? अरे तू आ गई, पर इतनी लेट कहाँ बिजी थी? अरे वो मैं बाबा के साथ खेत में काम करवा रही थी, तो बस उसी में थोड़ा लेट हो गया। अच्छा चल, फिर कोई बात नहीं, कुछ जरूरी बात बतानी है तुझे। हाँ तो बताना। यार वो लोग कल घर आए थे। कौन? अरे वही लड़के वाले जिनके बारे में मैंने तुझे पिछले हफ्ते बताया था। अरे वाह, तो जल्दी बताना, लड़का कौन है, कैसा दिखता है, क्या करता है? डॉक्टर है। वो दो भाई हैं, दोनों ही डॉक्टर हैं। बड़े भाई का रिश्ता आया है मेरे लिए। तुझे कैसे लगे डॉक्टर साहब? रागिनी की बात सुनकर कनिका मुस्कुरा दी और कनिका की इस मुस्कान को देखकर रागिनी फौरन समझ गई कि उसे सूरज पसंद है। कनिका ने रागिनी को सूरज की फोटो दिखाई, जिसे देखकर रागिनी ने कहा, अरे वाह यार, सच में जीजू तो बड़े स्मार्ट है, और ये शायद उनके छोटे भाई होंगे, है ना? हाँ, राहुल नाम है इनका। बढ़िया है, अब सच यार मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, बस अपने ससुराल जाकर मुझे भूल मत जाना। तू पागल है क्या? तू कोई भूलने वाली चीज है क्या मेरी जान? रागिनी और कनिका दोनों ही बहुत खुश थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन अचानक रागिनी के पिता के खेत के बगल से बह रही नहर में बाढ़ आ गई और सारा पानी खेत में आ गया। कटने को तैयार खड़ी फसल पूरी की पूरी चौपट हो गई। ये मंजर देखकर रागिनी के पिता को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। रागिनी के पिता के जाने का दुख उसकी माँ भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी कुछ ही हफ्तों बाद चल बसी। रागिनी अब बिल्कुल अकेली रह गई थी, अपना कहने को बस उसके पास उसकी दोस्त कनिका ही थी। रो मत रागिनी, मैं हूँ ना तेरे साथ, खुद को कभी अकेला मत समझना, समझी? सब खत्म हो गया बहन, कुछ नहीं बचा मेरे पास। ऐसा मत बोल, जो मेरा है वो तेरा भी है, तू मेरी सहेली से बढ़कर बहन है। चल अब से तू मेरे साथ मेरे घर पर रहेगी। नहीं नहीं बहन, मैं तेरे परिवार पर बोझ नहीं बन सकती, तू मेरी चिंता मत कर, मैं कैसे भी रह लूँगी, बस जब भी मुमकिन हो मुझसे मिलती रहना बहन। कनिका जानती थी कि स्वभाव से खुददार रागिनी कभी उसके घर आकर नहीं रहेगी और ना ही उससे कोई मदद लेगी, लेकिन उसे भी हर हाल में रागिनी की मदद करनी थी। तो जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने इस बारे में अपने होने वाले पति सूरज से बात की। वैसे तुम्हारी इस प्रॉब्लम का एक सलूशन है मेरे पास। हाँ तो जल्दी बताओ ना। तुमने बताया कि तुम्हारी सहेली बहुत खुददार है, मतलब किसी का एहसान नहीं लेती, पर नौकरी तो कर सकती है ना? क्या मतलब? तुम्हारे पापा की इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, तो उन्हें मैनेज करने के लिए मैनेजर्स तो चाहिए होते होंगे। कनिका को सूरज ने बहुत अच्छा आइडिया दे दिया था। अगले ही दिन कनिका ने रागिनी से इस बारे में बात की। पहले तो रागिनी ने इनकार कर दिया, लेकिन कनिका के बार बार कहने पर वो मान गई। कनिका ने अपने पापा से इस बारे में बात की तो उन्हें भी रागिनी को अपनी एक फैक्ट्री का मैनेजर बनाने में कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो भी रागिनी को काफी पहले से जानते थे और असल में वो भी रागिनी को
अपनी बेटी जैसा ही समझते थे। तो इस तरह रागिनी अब कनिका के पापा की फैक्ट्री में मैनेजर बन गई। कुछ ही दिनों बाद कॉलेज का रिजल्ट भी आ गया और रागिनी ने पूरे कॉलेज में टॉप किया। इसके साथ ही रागिनी अपनी नौकरी भी पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर रही थी। कुछ ही समय में वो फैक्ट्री का सारा काम बहुत अच्छे से संभालने लगी। अपनी शादी की तैयारी का हवाला देकर कनिका ने किसी तरह रागिनी को उसके साथ उसी के घर में रहने के लिए भी मना लिया। फिर एक दिन, अरे कनिका। हाँ जी पापा। बेटा, ये रागिनी तो सच में बहुत होशियार है। पता है, जिस फैक्ट्री में पिछले एक साल से मुझे कुछ नहीं बच रहा था, रागिनी के आते ही ना कि सिर्फ ऑर्डर बढ़े हैं, बल्कि वो फैक्ट्री तो मुनाफे में भी आ गई है। हाँ तो ऐसे ही थोड़ी ना मैंने आपको उसे जॉब पर रखने को बोला था, वो सच में बहुत अच्छी है। हाँ बेटा, सच में बड़ी प्यारी बच्ची है। जितनी समझदार और मेहनती है उतनी ही संस्कारी भी है, लेकिन किस्मत ने बड़ा बुरा खेल खेला है बेचारी के साथ। सच में अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं रागिनी को अपने घर की बहू बना लेता। अपने पिता की इस बात पर रागिनी मुस्कुरा दी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये भी एहसास था कि वाकई उसकी शादी हो जाने के बाद रागिनी बहुत अकेली पड़ जाएगी और भविष्य में उसकी शादी भी किससे और कैसे होगी, ये भी एक बड़ा सवाल था। फिर एक दिन, ओए रागिनी की बच्ची। हाँ बोलना। तो मैनेजर क्या बन गई, बड़े नखरे हो गए तेरे। मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है तेरे पास। मेरी शादी आ रही है और तू है कि बस फैक्ट्री से घर और घर से फैक्ट्री में ही उलझी रहती है। मेरा लहंगा, पार्लर और ज्वेलरी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ अब तक। अच्छा बाबा, मैं अंकल से बात करके छुट्टी ले लेती हूँ और आज के आज सब कुछ फाइनल कर देते हैं। अब तो ठीक है ना? पापा से मैंने बात कर ली है, तेरी छुट्टी अप्रूव्ड है। चल अब जल्दी से मेरे साथ चल। ऐसे ही कनिका की शादी का दिन भी आ गया। गहनों से सजी कनिका दुल्हन के रूप में बहुत ही सुंदर लग रही थी। कनिका के पापा ने शादी में अपनी हैसियत के अनुसार काफी खर्चा किया था। शादी की तैयारियां पूरी थी और दूसरी तरफ गब्बर डाकू भी तैयार था। गब्बर डाकू और उसकी गैंग के नाम से सब डरते थे। सारे लोग सुनो, चलो चुपचाप से हाथ ऊपर करें और कोई होशियारी नहीं है। ए ढक्कन, जाबे दुल्हन के सारे गहने ले आ। गब्बर और उसके आदमी बंदूक लेकर खड़े थे। बंदूक के खौफ से हर कोई सन्न था। गब्बर के साथियों ने कनिका से उसके गहने छीनने की कोशिश की, लेकिन कनिका उन्हें धक्का देकर भागने की कोशिश करने लगी। तभी गब्बर ने बंदूक कनिका की तरफ तानी और गुस्से से बोला, ए लड़की रुक जा वरना गोली मार दूंगा, समझी। गब्बर ने सिर्फ धमकी नहीं दी, गहने हाथ से निकलते देख गब्बर ने कनिका को निशाना बनाकर गोली चला भी दी थी। लेकिन तभी एन मौके पर रागिनी गोली और कनिका के बीच में आ गई। गोली लगते ही रागिनी जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दी थी और पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनते ही गब्बर डाकू और उसकी गैंग वहाँ से भाग खड़ी हुई। कनिका तो बच गई, लेकिन अब रागिनी की हालत नाजुक थी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया और काफी देर बाद जाकर उसे होश आया। ये तूने क्या किया पगली? तू ठीक है ना कनिका? मैं तो ठीक हूँ, पर तू बीच में क्यों आई? तू मेरी बहन है कनिका, मैं तुझे कुछ कैसे होने देती। उसके बाद कनिका का पति सूरज वहाँ आया। क्यों साली साहिबा, कैसी है? अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? जी डॉक्टर साहब, सब ठीक है। थैंक्स मेरा इलाज करने के लिए। थैंक्स बोलना है तो मुझे नहीं, इसे बोलिए, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट मैंने नहीं, इसने किया है। इतना बोलकर सूरज ने अपने छोटे भाई राहुल की तरफ इशारा कर दिया, जो वहीं पर खड़ा था और रागिनी को बस देखे जा रहा था। रागिनी भी राहुल से कुछ ना कह सकी और बस उसे देखती ही रह गई।
लेकिन इन दोनों के बीच की एक खामोशी कनिका ने पढ़ ली। और फिर कुछ दिनों के बाद, अरे कनिका, ये सब क्या है? इतना सारा सामान ये किसके लिए लाई है? अपनी होने वाली देवरानी के लिए। अच्छा, तो राहुल जी का रिश्ता तय हो गया क्या? अच्छी बात है। कौन है लड़की? यही है, आजा तुझे फोटो दिखाती हूँ। इतना कहकर कनिका ने रागिनी की फोटो ही उसके हाथ में थमा दी, जिसे देखकर रागिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं कनिका, ये सही नहीं है। ना तो मैं राहुल जी के लायक हूँ और ना ही मेरी हैसियत। ऐसा तुझे लगता है, राहुल भैया और हमारे परिवार को नहीं। सच मान रागिनी, ये शादी तुझ पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये तेरा हक है जो तुझे मिलना ही चाहिए। हाँ, पर मेरी एक शर्त है। शादी के बाद मैं तेरी जेठानी हो जाऊंगी, तो थोड़ा जी अदब से बात करना मुझसे, समझी? कनिका की बात सुनकर रागिनी मुस्कुरा दी। अब सब ठीक होने वाला था। दोनों सहेलियों से बहन बनने के बाद अब जेठानी देवरानी बनकर हमेशा एक दूसरे के साथ और खुश रहने वाली थी। प्रतापगढ़ नाम के एक शहर में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। कुछ समय पहले उसकी माँ का निधन हो गया था, जिस वजह से उसके पिता ने उर्मिला नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी। उर्मिला की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम आरुषि था। आरुषि की हाइट बहुत कम थी और वो दिखने में भी थोड़ी सांवली थी। वहीं दूसरी तरफ मीरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। उर्मिला मीरा से बहुत जलती थी। ये मीरा की बच्ची तो कितनी सुंदर है और मेरी बेटी कितनी सांवली और बौनी है। काश मेरी बेटी भी इस मीरा की तरह सुंदर होती। वही आरुषि बहुत ही अच्छी और नेक दिल की लड़की थी। वो मीरा को अपनी सगी बहन की तरह मानती थी और हमेशा उसके साथ में खेलती थी और उसके काम में भी उसकी बहुत मदद करती थी। लेकिन उर्मिला को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सुन आरुषि, तू इस मीरा की बच्ची के साथ मत रहा कर। ये लड़की अच्छी नहीं है, ये सिर्फ हमारी नौकरानी है और नौकरानी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? मीरा मेरी छोटी बहन है। उर्मिला मीरा से घर का सारा काम करवाती थी और हर बात पर उसकी खूब पिटाई करती थी। अरे ओ मीरा की बच्ची, मेरी बेटी से थोड़ा दूर रहा कर। आज के बाद मेरी बेटी के साथ खेलती हुई नजर आई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। और हाँ, मैं अभी सब्जी लेने बाजार जा रही हूँ। सारे घर की साफ सफाई अच्छे से करना और बाथरूम में कुछ कपड़े रखे हुए हैं, सबसे पहले वो कपड़े धो, समझी? उसके बाद उर्मिला बाजार चली जाती है। मीरा घर का सारा काम करने लग जाती है, तभी वहाँ पर आरुषि आ जाती है। अरे तुम अकेले काम क्यों कर रही हो? लाओ मुझे दो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं नहीं दीदी, आप रहने दो, माँ बहुत गुस्सा होंगी। अगर उन्होंने आपको काम करते हुए देख लिया तो वो मुझे बहुत मारेंगी। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, माँ को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और माँ तो अभी आई भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। आरुषि और मीरा मिलकर जल्दी से घर का सारा काम कर लेती हैं। इसी तरह से काफी दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुन कलमोही, ये मेरी बेटी की ड्रेस है, इसको अच्छे से धोकर प्रेस कर, शाम को हम पार्टी में जाएंगे। माँ, मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है, मैं क्या पहनूंगी शाम को? अरे तुझे किसने कहा कि हम पार्टी में तुझे भी ले जा रहे हैं? तू इस घर में ही रहेगी और घर की रखवाली करेगी। तभी वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही बोल रही हैं। आरुषि बड़ी हो गई है, वो पार्टी वगैरह में जाएगी तो सबकी नजरों में आएगी और उसके लिए अच्छा सा रिश्ता भी मिल जाएगा। ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद वो आरुषि की ड्रेस पर प्रेस करने लगती है, लेकिन तभी गलती से उसकी थोड़ी सी ड्रेस जल जाती है। अरे ये क्या हो गया, अब तो माँ मेरी जान ले लेंगी। तभी वहाँ पर उर्मिला और आरुषि आ जाती हैं। अरे मेरी बेटी की ड्रेस प्रेस नहीं हुई क्या अभी तक? माँ वो अरे क्या वो कर रही है, क्या बात है, बता मुझे। माँ
वो थोड़ी सी ड्रेस जल गई है। उर्मिला उसे खींच कर दो चाकू मारती है। हराम खोर नालायक, तूने जान बूझ कर मेरी बेटी की ड्रेस जलाई है। मैं तुझे पार्टी में नहीं लेकर जा रही हूँ ना, इसीलिए तूने ये सब किया है। नहीं माँ, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। पता नहीं माँ, अचानक से कैसे जल गई ये ड्रेस। अरे कोई बात नहीं माँ, जाने दीजिए। वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए पार्टी में आप लोग चले जाइए, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। चल ठीक है बेटा, तू घर पर रहे और आराम कर। और तू नालायक लड़की, मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, नहीं तो मार मार कर तेरी हालत खराब कर दूंगी। कुछ दिनों बाद, अरे ये देखो, हमारी बेटी आरुषि के लिए रिश्ता आया है, शाम को लड़के वाले आ रहे हैं। ये बात सुनकर उर्मिला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सीधा मीरा के पास जाती है। सुन मनहूस लड़की, सारा काम अच्छे से करना है और पूरे घर को चमका कर रख। शाम को मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, और हाँ, लड़के वालों के सामने तू बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर तेरी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा लड़की, समझी? आप बिल्कुल चिंता ना करें माँ, सब बहुत अच्छा होगा। मैं कमरे से बाहर पैर भी नहीं रखूंगी माँ। उसके बाद मीरा अपने काम में लग जाती है। वहीं शाम में लड़के वाले उनके घर पर आ जाते हैं। नमस्ते बहन जी, हम यहाँ आपकी बेटी के लिए रिश्ते की बात करने आए हैं। हाँ जी बहन जी, आइए अंदर चलिए बहन जी। फिर थोड़ी देर बाद आरुषि चाय लेकर बाहर आती है। ये देखिए, ये मेरी बिटिया आरुषि है, हम इसी के रिश्ते की बात कर रहे थे। माँ, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा, ये लड़की तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखती। अरे बेटा, आप मेरी बेटी की शक्ल पर मत जाओ, मेरी बेटी घर का सारा काम जानती है और साथ ही साथ सिलाई कढ़ाई बुनाई सब कर लेती है। वही मीरा चुपके से सब कुछ देख लेती है, तभी लड़के की नज़र मीरा पर पड़ जाती है। माँ, मुझे उस लड़की से शादी करनी है, वो जो सीढ़ी के पास खड़ी है। ये सब देखकर मीरा वहाँ से भाग जाती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? माँ ने बाहर आने के लिए मुझे मना किया था, अब अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत गुस्सा होंगी। बहन जी, आपकी कोई दूसरी बेटी भी है क्या? नहीं नहीं बहन जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरी तो एक ही बेटी है। माँ, मैंने वहाँ पर अभी एक लड़की को देखा था। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो मेरी छोटी बहन है, मैं अभी उसे बाहर लेकर आती हूँ। फिर आरुषि मीरा को बाहर लेकर आती है। लड़के वाले मीरा को देखते ही पसंद कर लेते हैं और उसका रिश्ता तय हो जाता है। फिर लड़के वालों के जाने के बाद, क्यों रे मनहूस, मैंने तुझसे कहा था ना कि अपनी शक्ल बाहर मत दिखाना, फिर तू बाहर कैसे आ गई? अरे तुझसे मेरी बेटी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या? इस बार मीरा आरुषि को भी एक चाटा मारती है और आरुषि रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। अरे तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से आज मैंने पहली बार अपनी बेटी के ऊपर हाथ उठाया है। मेरी बेटी तुझे अपनी छोटी बहन समझती है और तूने मेरी बेटी की सारी खुशियाँ उससे छीन ली। अगर शर्म है तो कहीं डूब कर मर जा। मीरा रोते रोते घर से बाहर चली जाती है और एक पार्क में जाकर बैठ जाती है और वहाँ बैठकर अपनी माँ को याद करने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी मरी हुई माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। बिटिया, तुम रो क्यों रही हो बिटिया? माँ, मैंने अपनी बड़ी बहन की सारी खुशियाँ छीन ली, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ। मैं अपनी बहन के लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मेरी बहन की सारी समस्याएं ही दूर हो जाए। मेरी मदद करो माँ, प्लीज मेरी मदद करो। तभी मीरा की माँ अपने जादू से दो जादुई साड़ियाँ प्रकट करती हैं। बिटिया, तुम इन दोनों साड़ियों में से एक साड़ी अपनी बहन को दे देना और एक साड़ी तुम खुद रख लेना, लेकिन ये साड़ी सिर्फ एक बार ही अपना काम करेगी। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। फिर मीरा वो साड़ियाँ लेकर अपनी बहन के पास जाती है। मेरी बहन, ये जादुई साड़ी है, इसे पहन लो बहन।
अरे कहाँ मर गई ये मीरा की बच्ची, इधर आ। मीरा भागी भागी अपनी माँ के पास आती है। ये देख, तेरे लिए बहुत ही अच्छी क्रीम लेकर आई हूँ। कुछ दिनों बाद तेरी शादी है, तू जल्दी से ये क्रीम अपने चेहरे पर लगा ले। मीरा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने कमरे में जाकर वो क्रीम लगा लेती है। क्रीम को लगाते ही मीरा बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। उधर साड़ी पहनते ही आरुषि बहुत ही खूबसूरत हो जाती है और अचानक से उसकी हाइट भी बढ़ जाती है। ये देखकर आरुषि बहुत खुश हो जाती है और सीधा अपनी माँ के पास जाती है और उसे वो सारी बातें बताती है। क्या मीरा ने तेरे लिए इतना सब कुछ किया और मैंने तो उसकी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। फिर उर्मिला अपनी बेटी आरुषि को वो सारी बातें बताती है। दोनों भागी भागी मीरा के कमरे में जाती हैं। अरे बेटा मुझे माफ कर दे बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मीरा जल्दी से अपनी माँ की दी हुई जादुई साड़ी पहन लेती है। हे जादुई साड़ी, मुझे पहले की तरह खूबसूरत कर दीजिए। मीरा के इतना कहते ही मीरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद से उसकी सौतेली माँ उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है। कविता और तनु बचपन की दोस्त थी, साथ खेलना कूदना, उन्होंने एक ही स्कूल और कॉलेज में साथ में पढ़ाई की थी और अब दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। कविता और तनु दोनों के माता पिता उनके लिए रिश्ते की तलाश कर रहे थे। कविता ज्यादा पैसे वाली नहीं थी, उसके पिता फलों का ठेला लगाते थे जबकि तनु के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। पर तनु ने अपने अमीर होने का कभी भी घमंड नहीं किया, वो अपनी सहेली कविता पर जान छिड़कती थी। तनु तूने मेरे लिए इतना महंगा सूट खरीदा, पर क्यों? अरे भाई आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड को देखने लड़के वाले आएंगे तो ऐसे लगनी चाहिए कि सब देखते ही रह जाएं। तनु मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी सहेली के रूप में मुझे बहन मिल गई। लड़के वाले कविता को पसंद कर लेते हैं और कविता की सगाई मनोज नाम के लड़के से तय हो जाती है। तनु बेटे ये लो, तुम भी मुंह मीठा कर लो, इस मिठाई पर सबसे पहला हक तुम्हारा ही है क्योंकि तुम कविता के सबसे करीब हो। सुमन लड़के वालों का फोन आया था, शादी का मुहूर्त 10 महीने के बाद निकल रहा है, इससे पहले कोई भी मुहूर्त नहीं है। 10 महीने बाद का मुहूर्त तो बहुत लेट नहीं हो जाएगा? तुम्हें तो पता है जी, लड़कियों का सगाई के बाद इतने समय तक रुकना सही नहीं रहता। पर लड़के वालों से ये बात कह भी तो नहीं सकते, उनकी अपनी कोई मजबूरी है इसीलिए बोल रहे हैं। उस वक्त कविता के माता पिता को जो भी ठीक लगा उन्होंने बात मान ली। इसी बीच तनु का भी रिश्ता एक बड़े घराने में तय हो गया और 15 दिन के अंदर ही उसकी शादी भी तय हो गई। अंकल जी और आंटी जी, कविता भी एक हफ्ते तक मेरे साथ मेरे घर रहेगी। एक हफ्ते बाद मेरी शादी है और फिर तो पता ही है, फिर कविता से मिलना मेरा कब हो? और कुछ महीनों बाद कविता की भी शादी हो जाएगी, फिर दोनों सहेलियां अपने अपने ससुराल में बिजी हो जाएंगी। ठीक है तनु बेटा, कविता तुम तनु की शादी तक उसके साथ ही रहो। तनु की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तनु कविता को अपने रिश्तेदारों से मिलवाती है। सब तनु और कविता की दोस्ती की बहुत तारीफ करते हैं। कविता बेटा, तनु की शगुन की मेहंदी लेकर लड़के वाले आ रहे हैं। बेटा तुम जरा उनके लिए चाय पानी की तैयारियां देख लो, कोई कमी ना रह जाए। जी आंटी जी, मैं अभी देख लेती हूँ। कविता सागर जी का फोन आया था, उनका छोटा भाई यानी कि मेरा देवर विराट और चाचा जी की बेटी सोनम शगुन की मेहंदी लेकर घर आ रहे हैं। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगी। क्या बात है तनु भाभी, लगता है हमारा ही इंतजार हो रहा है। अरे देवर जी आप? अरे सोनम कैसी हो? कविता इन लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। अरे भाभी इतना तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है,
मुझे तो बस एक कप गरम गरम चाय मिल जाए तो बात बन जाए। जी मैं अभी लाई, ये लीजिए चाय। और सोनम आपके लिए क्या लाऊं, चाय या ठंडा? अभी कुछ नहीं, मैं बाद में ले लूंगी। अरे कुछ तो लेना ही पड़ेगा, ये लो रसगुल्ला खाओ शगुन का, मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा। सोनम ये मेरी बचपन की सहेली कविता है, ये मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी दोस्त है। तनु कविता के बारे में विराट और सोनम को बताती है। यानी कि मेरा कोई चांस ही नहीं है, अरे मैं मजाक कर रहा था। वैसे कविता जी आपकी होने वाली शादी की हार्दिक शुभकामनाएं पहले से ही दे रहा हूँ मैं। बात वहीं खत्म हो जाती है, तनु की शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं, कविता की शादी का भी दिन आ जाता है। तनु अपने ससुराल वालों के साथ कविता की शादी में पहुंचती है। मोहनलाल जी मैंने आपको पहले ही कह दिया था, 8 लाख की बड़ी गाड़ी दरवाजे पर खड़ी होगी तभी ये डोली उठेगी, वरना अभी भी हम ये बारात वापस ले जा सकते हैं। हाँ अरुण नारायण जी मैंने बहुत कोशिश की, बस 5 लाख ही जुटा पाया हूँ, जिसमें से काफी पैसे शादी की व्यवस्था में लग गए। आप बारात वापस मत ले जाइए, नहीं तो मेरी कविता बिटिया की जिंदगी खराब हो जाएगी। अरुण नारायण जी मैं आपके आगे भीख मांगता हूँ, ऐसा ना कीजिए। मनीष बेटा अपने पापा को समझाओ ना। मेरे पापा तो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, मैं कविता से शादी तभी करूँगा जब आप बड़ी गाड़ी का इंतजाम करोगे। हाँ कविता की बारात वापस चली जाती है, कविता फूट फूट कर रोने लगती है, सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे लड़की की बारात वापस चली जाए तो दोबारा शादी के लिए लड़का नहीं मिलता। सही कहा आपने, बेचारी लड़की की बारात वापस चली गई, अब भला इसका कौन हाथ थामेगा। तनु मैं क्या करूं, मेरा मर जाना ही ठीक रहेगा, मेरी वजह से मेरे माँ बाबूजी को ये दिन देखना पड़ रहा है। पागल है क्या जो मरने की बात कर रही है, मेरे होते हुए मेरी सहेली के साथ कुछ गलत नहीं होगा। तू रुक मैं अभी आई। तनु अपने ससुराल वालों से कुछ बात करती है और चेहरे पर मुस्कान लिए हुए कविता को कहती है, कविता मेरी प्यारी सहेली, अब तक तो तू मेरी सहेली थी, क्या अब मेरी देवरानी बनना पसंद करेगी? देवर जी तुझसे शादी करना चाहते हैं। अंकल जी आंटी जी कोमल को हंसते हुए विदा कीजिए। भाभी कविता से शादी के लिए मेरी भी एक शर्त है, कविता की आंखों में एक भी आंसू नहीं होना चाहिए, मुझे मुस्कुराती हुई कविता को अपनी पत्नी बनाकर घर ले जाना है। देवर जी आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आखिर भाई तो मेरा ही है ना, मेरे ऊपर ही गया है। और फिर सभी हंसने लगते हैं। फिर कविता और विराट की शादी करवा कर तनु अपनी दोस्ती का फर्ज निभाती है और खुशी खुशी दोनों सहेलियाँ एक ही घर में मिलजुल कर रहने लग जाती हैं।